हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई ये तो बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है। भारत की यंग बेटी ने पाकिस्तान की उड़ा दी धजियाँ। आहा, क्या मज़ा आएगा यार। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world. ये आयरन लेडी देखें किस तरह वहाँ बैठी हुई हैं। ये मैदान में उतरी हैं। इंडिया की तरफ से जवाब किसी और को बताया होगा। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। Basically क्या है? It's to embarrass Pakistan. It is to embarrass Pakistan को embarrass करना चाहते हैं ना? आज पता चला। Pakistan को वो चाहते हैं to make it belittle. क्या आपकी तो value कोई नहीं। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। रोए। और ये लोग बेशर्मी से, डिटाई से सब कुछ किए चले जा रहे हैं, बल्कि सारी हदें पार कर चुके हैं। उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाई और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है। भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के भाषण की आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। हमारा जो सबसे जूनियर यंगेस्ट डिप्लोमेट है वो पाकिस्तान को जवाब देगा। ये क्या चीज है? अच्छा, मैं तो अपना बता रहा है। या तो आप इस तरह करेंगे, दीवार के साथ अपना सर मारें या मुझे उठाकर दीवार के साथ पटाएं। उठाते खुदा जाओ या कर... कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है। आप फॉर्म 47 की आपकी हुकूमत है, आपकी दुनिया भर में स्टैंडिंग नहीं है। IMF जो आपको पैसे दे रहा है, हमने उसको कहा जाओ बेटा, जाओ इसको पाकिस्तानी वजीर आजम को रिस्पॉन्ड कर। ये है टू मेक समवन बिलिटल, टू मेक समवन फील एंड टेल यू आर नथिंग। आप कुछ भी नहीं है हमारे आगे। बिलिटल वर्ड पता था ना? हेलो फ्रेंड्स, कहां से मारा था? हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फिर भी मेरे को नहीं लगता इसका आपका पता हूं। सभा के 79 सत्र की आम बहस में पाकिस्तानी कन्वर्ट किया, छोटा दिखाने को बिलिटल कर दिया। जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर करारा जवाब दिया है। भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए अपने जवाब देने के अधिकार का शुक्रवार को इस्तेमाल किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव भाविका मंगला नंदन ने भारत के जवाब देने के अधिकार के तहत प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा, आतंकवाद का कारोबार करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले और सेना द्वारा संचालित एक देश ने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस दिखाया। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के तौर पर सीमा पर आतंकवाद का लंबे समय से इस्तेमाल करता रहा है। भाविका ने वैश्विक समुदाय को याद करवाया कि यह वही देश है जिसने लंबे समय तक अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। अब भारत की बेटी द्वारा पाकिस्तान को उसी वक्त आईना दिखाए जाने पर पाकिस्तान सकते में है। इंडिया की तरफ से जवाब आया है। इंडिया ने हिट बैक किया है और बहुत ही जोर का हिट किया है। क्लीन बोल्ड कर दिया है वो। ओके, हमने आपको पहले ही बताया था कि शवाशी बात करेंगे, लेकिन उनका जवाब मोदी साहब की तरफ से नहीं आएगा। उनका जवाब डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नहीं आएगा। उनका जवाब वहां पर UN जनरल असेंबली में इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे उनकी तरफ से ही आएगा, जूनियर मोस्ट पर्सन। तो इंडिया की जो फर्स्ट सेक्रेटरी है वहां पर असेंबली में, जवाब दिया है और बहुत ही जोर से जवाब दिया है। आईएसएस से जो बच्चे नए आ रहे हैं, भारत ने जो इसको जिस तरीके से लिया है, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान के पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट और अभी तक और बल्कि पास्ट से लेकर रीसेंट पास्ट क्या इंग्लिश में है, लंबी चौड़ी प्रेजेंट किया है। लेकिन उसके अंदर उसामा बिन लादेन से लेकर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस की रिगिंग तक सवाल उठाए और कहा है कि कोई एक ऐसा कंट्री कैसे ये बात कर सकता है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वहां पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको शहबाज शक्ल के आगे लगा दिया, जो दिखाई थी, सुनवाई थी, बिल्कुल उसी तरीके से मैं इंडिया ने जो बात की है वो भी आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि ये मामला जो है क्लियर हो जाए। लेकिन देखिए, हमने आपको पहले भी कहा था, हमने कौन ने, पाकिस्तान को चाहिए कि वो चाहता है, पाकिस्तान चाहता है, शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनकी जो बात है, उनका जो से है वो रहे और उसके ऊपर लोग तवज्जो दें, तो ऐसा किया करें कि पहले इंडिया को बोलने दिया करें।
इंडिया जो बात करता है उसके हम छोटों से उनके मुंह नहीं लगते, तो फिर शायद ऐसा हो कि आपकी बात में जो है वो ज्यादा वजन हो या पड़ जाए बात। इसकी वजह वजन होना ज्यादा जो जवाब में कहता है ना, तो फिर अगले पिछले सारे बदले निकाल लेता है, मतलब वो नानी याद करवाना जो कहते हैं ना, उस किस्म की सिचुएशन हो जाती है। ओ, अच्छा। जब इंडिया की तरफ से यूएन में जो है वो जवाब दिया जाता है। अब जो जवाब दिया है, क्योंकि देखें उन्होंने जवाब इसके बालों के बाहर से लंबा सा क्या निकल रहा है, जैसे कि कोई बात हो और जो डॉक्टर जयशंकर है वो उसका जवाब दे दें अपनी किसी स्पीच में, या वो अपनी किसी उनसे कोई सवाल किया जाए और वो उसके जवाब में उसका जर्नलिस्टों को उसका जवाब दे दें, छोटा थोड़ा बहुत जवाब दे दें। ऐसा नहीं होता यूएन में। उनके जो वहां पर लोग है ना यूएन में इंडिया के, वो ऐसा ढोक बजा के जवाब देते हैं, और वो जिस तरह की उनकी वो सच बोलते हैं, वो जहां से पढ़ते हैं उनका तो लोग झूठ बोलते हैं। नैरेटिव यानी उन्होंने जैसे बनाया होता है, जैसे प्लान करते हैं वो, और उनका जो स्टाइल है, उनकी जो एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, वो फिर उसको पूरे तरीके से ना वो बस आप खुद ही सुन ले उन्होंने जो जवाब दिया। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि इतना सा जवाब दे दे, बल्कि उन्होंने सारी कसर निकाल दी है। ये जरा सुनिएगा कि क्या कहा गया। President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. India keh raha hai janab humne Pakistan ko pura sa suna de kitni beste sunayi bechare youngest diplomat hai wo Pakistan ko jawab dega जवाब नहीं दे रही पाकिस्तान की बेइज्जती कर रही है। अगर आप इस माइंडसेट को इस पाकिस्तान का को आईना दिखा रही है, क्या मतलब है? यानी कि वो कह रहे हैं कि अच्छा मोदी अब का लेवल नहीं है कि शहबाज शरीफ को जवाब दे। ऑफ कोर्स नहीं है, कोई डाउट है तुम्हें? शंकर का लेवल नहीं है, नहीं है शहबाज शरीफ को जवाब, बल्कि हमारा लेवल भी नहीं है। हम तो दुनिया के और बड़े टॉपिक्स पे, हमारा भी लेवल नहीं है, हम तो दुनिया के और बड़े इश्यूज पे बात कर रहे हैं। लेकिन जब वो घर में होते हैं और उनको जरूरत होती है मोदी साहब को, तो वो साबिक मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी नाम ले लेते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ठीक है? इसको अंदर से हो रही है ना, समझ रहे हो? तकलीफ तो नहीं है, इट इज टू एम्बैरस पाकिस्तान को, एम्बैरस करना चाहते हैं ना, ठीक है? पाकिस्तान को एम्बैरस करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हरकतें से खुद ही एम्बैरस होता है। हमारा एक थर्ड सेक्रेटरी पता नहीं क्या, वो कुछ भी नहीं, बच्चा है हमारा यार, अभी कल आया है, हमने उसको कहा जाओ लिसन, she is much more better than you 1000 times, more educated, more capable, chale make someone feel and tell you are nothing, aap kuch bhi nahi hai hamare aage, of course nahi ho, ye jo tarika kar hai, is tarika kar ki ladai rahi hai shuru se, ye jo chima hai na, isko andar se badi takleef hai, ye show nahi kar pata, इसके अंदर बड़ी तकलीफ है, बट उससे तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी मेहनत कर रहे हैं इंडिया के लोग, उसको कोई काउंटर नहीं कर सकता। भैया हमारे कैपेबल लोगों की कैपेबिलिटी देख लो कि इतनी यंग जो अभी रिसेंटली आई है, उसने इतनी फैंटास्टिक इंग्लिश इतनी कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी, वर्सेस अगर वो क्या नाम है उसका, नवाब शरीफ जो भी है, उसकी स्पीच मैंने, हमने तो एक वीडियो में देखी थी, मैंने कहा इसको तो बोलना तक नहीं आता यार, ये क्या प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ गए, ये प्राइम मिनिस्टर बनने लायक है? तो उसमें तुम अपने आप ही डिफरेंस देख लो, हमारे जूनियर लेवल का एक बंदा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से 1000 times बेटर स्पीच दे रहा है और जवाब दे रहा है, और ऐसा जवाब दे, और जवाब ये ऐसा नहीं कोई कि झूठ बोला हो, सच्चाई बोल रहे हैं और इनको और ये तकलीफ, सच्चाई पता नहीं चलता ना सच्चाई क्या है, वो बहुत पहले इतना रिलीजन में डुबा दिया दे रहा, अभी देखो कैसे कि नरेटिव बनाते हैं, अब से हमें नहीं पहले बोलना चाहिए, पहले इंडिया को बोलने दो, क्योंकि अगर पहले जो बाद में बोलता है वो तो फिर वो जाता है फलाना ठमकाना, दे लॉजिक इज बियॉन्ड। देखिए इनको जो भी फील करने करते रहे, 1.4 बिलियन पीपल जो रोज मेहनत करते हैं उसका नतीजा है,
एग्जैक्टली इंडिया का बच्चा बच्चा मेहनत कर रहा है, देश ऊपर जा रहा है, नोबडी कैन रियली रेट दैट्स और को क्या गलत बताया, बहुत अच्छा बोला. हम लोग तो शुरू से बोलते थे कि यूएन में ये बोलो, अब बोलना शुरू हुआ है. तो रिमेंबर हम लोगों ने शुरू शुरू में बोला था कि यूएन में बताओ कि भैया ओसामा कहाँ मिला, पाकिस्तान क्या करता है, चुप बैठने की जगह है, इनको इनको सबके सामने इनकी बेइज्जती करो. ये तो अब होना शुरू हुआ है कि भाई अब हर बारी जब ये बोलते हैं तो इनको जवाब देते, नहीं तो पहले हम इग्नोर करते थे. ये कश्मीर का बोल रहे हैं, कोई जवाब ही नहीं होता. हम कहते क्यों नहीं दे रहे, ऐसा जवाब दो कि इनकी हिम्मत ही ना हो. अब देता है इंडिया, अब इंडिया देता है. भैया कहाँ था ओसामा, किस मुंह से बोल रहे हो, किसने छुपा के रखा था. वेरी गुड, दैट वॉज फैंटास्टिक मैन. ये तो रोएंगे ही पाकिस्तानी, सबको मिलकर रोना चाहिए और पाकिस्तान में बाढ़ आनी चाहिए इनके रोने के आंसू से. तो चलो चलते हैं, अभिषेक अन्ना अपने थॉट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.